खबर फरुखाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश में राजेपुर चिकित्सा महासंघ के आह्वान और डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में फरुखाबाद के ब्लॉक राजेपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काला फीता बांधकर राजकीय कार्य संपादित हो रहा है। आपको बता दें कि विगत 2 वर्षों में विभाग के किसी संगठनों से शासन और महानिदेशालय स्तर पर वार्ता नहीं की गई। चीज को लेकर धरना करते हैं आप लोग? मैं आलोक कटियार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से। ये धरना प्रदर्शन हमारे प्रदेश के आह्वान पे हो रहा है। इसमें हमारी लंबित मांगे थी पिछले 2 वर्षों से, जो सरकार द्वारा वार्ता भी हुई थी लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और जो हमारी ट्रांसफर नीति है उस पर भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। और तमाम गंभीर बीमारियों से पीड़ित साथी हैं, विकलांग हैं, जैसे कैंसर रोगी हैं, उनकी भी मतलब जो ट्रांसफर नीति स्थानांतरण नीति होनी चाहिए उस पर भी कुछ कार्य नहीं हुआ है। तमाम और बीमारियाँ थी जो सरकार द्वारा नहीं पूरी की गई हैं, जैसे कि पुरानी पेंशन है, कैडर चेंज है, ये सब चीज़ें थी। उसी को लेकर 20 तारीख से काला फीता बांध के 2 घंटे का कर रहे थे काम, और आज से हम लोग 2 घंटे का कार्य बंद कर रहे हैं। तो आज से अब आप क्या करेंगे कार्य? प्रदेश से नेतृत्व मिलता रहेगा वैसे कार्य। कब तक अनशन चलेगा आपका? ये अभी प्रदेश से बात होगी उस हिसाब से चलेगी। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए उसके बाद इमरजेंसी बैठक की है। आपकी मांगे जब तक? हाँ, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग तब तक अनशन। हाँ, वार्ता के लिए कमीशन खुला है। वार्ता तो हो जाएगा। चीज को लेकर धरना करते हैं आप लोग? लखनऊ में फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग डॉक्टर RMLIMS लखनऊ के डाइक इंटेलिजेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के सहयोग से 24 जून 2023 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डॉक्टर RMLIMS लखनऊ में चिकित्सा पेशेवरों के लिए साइबर स्वच्छता, उभरती साइबर चुनौती से निपटने पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा CMI कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद उद्घाटन सत्र के अतिथियों मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोनिया निंद्यानंद, निदेशक डॉक्टर RMLIMS विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नुजहत हुसैन, डीन डॉक्टर RMLIMS डॉक्टर प्रोफेसर दीपक मालवीय, विभागाध्यक्ष एनेस्टियोलॉजी और क्रिटिकल केयर यूनिट डॉक्टर और प्रोफेसर अजय कुमार सिंह मौजूद रहे। रोगी डेटा की सुरक्षा में साइबर स्वच्छता प्रथाओं के महत्व के बारे में चिकित्सा पेशेवरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम DIA ने चिकित्सा पेशेवरों के लिए साइबर स्वच्छता सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला। खबर चित्रकूट से है, जहां वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस को मझगवां में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा संचालित कृष्णा देवी वनवासी आवासीय बालिका विद्यालय में बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। वह विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा वीरांगना दुर्गावती को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा गया कि वीरांगना दुर्गावती का बलिदान केवल अपनी राज्य सत्ता को कायम रखने के लिए नहीं, बल्कि उनका बलिदान मुगलों के अपने राज्य की सत्ता को बचाते हुए था, जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति को चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खबर बहराई से है, जहां अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बिहार में विपक्ष के एकजुटता पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों में ही एकजुटता नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की एकजुटता देश के विकास के लिए नहीं बल्कि केवल सत्ता की कुर्सी पाने के लिए है। वहीं नेपाल सीमा से सटे जनपदों में मदरसों में हो रही जाँच में पहले सरकार ने सर्वे करवाया था, अब विशेष टीम गठित करके कुछ बिंदुओं पर जाँच करवाई जा रही है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर असहज होते हुए दानिश अंसारी ने गोलमोल जवाब। उन्होंने कहा कि समय बदलने के साथ साथ जो भी समाज की जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। सरकार ने ही कहा था कि तमाम ऐसे मदरसे हैं जो सीमा से सटे हुए से संचालित किए जा रहे हैं, उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सही तरीके से जो सूचनाएं दी जानी चाहिए थी उन्होंने नहीं दिया, लिहाजा हम टीम गठित कर रहे हैं उन सूचनाओं को दोबारा प्राप्त करने के लिए। कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जो मदरसे आपको नहीं दे रहे हैं? आपको देखिए, अगर कहीं कोई जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी किसी जिले में, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, कहीं किसी जिले में विशेष कहीं कोई शिकायत आती है, हर डिपार्टमेंट समय समय पर जांच करता है, कोई शिकायत आती है और शिकायत आम मुसलमान ही करता है,
तो कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच अलग से हो रही है, सर्वे अलग है, विशेष किसी संस्था की शिकायत पे जांच अलग है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जांच कहीं भी कोई चीज़, हमारे मदरसा बेहतर हो, इनके ढांचे को मजबूत बनाएं, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि चंद विपक्ष के नेता अगर कोई बात का विरोध कर रहे हैं तो ये मुस्लिम समाज विरोध नहीं कर रहा। मुस्लिम समाज आज पूरे विश्वास के साथ मोदी सरकार, योगी सरकार के साथ खड़ा है। और मैं बार बार क्यों दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने 2023 के निकाय चुनाव का परिणाम आप उठा के देख लीजिए। मेरी बात पे आप यकीन मत कीजिए। आप जिस जनपद में बहराइच में खड़े हैं, यहाँ पे हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, और ये बहराइच अल्पसंख्यक बाहुल ये नगर पालिका है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीतने का मतलब है कि यहाँ का मुसलमान भाजपा के साथ है। यही हाल लखनऊ का, यही हाल सहारनपुर का, यही हाल रामपुर का, बलरामपुर का, कानपुर का, रायबरेली, पूरे उत्तर प्रदेश के हर 75 जनपद का यही हाल है कि मुसलमानों ने आगे बढ़ के भाजपा को वोट दिया है। इसका साफ मतलब है कि भाजपा के नियत पे, मोदी सरकार और योगी सरकार के नियत पे मुसलमानों को कहीं कोई संदेह नहीं। आज देखिए, मैंने बार बार बताया कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, समाज की जरूरतें आती हैं। पहले आप देखिए कि नॉर्मल बल्ब हुआ करता था, आज एलईडी बल्ब है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, वैसे वैसे समाज की जरूरतों को समझते हुए सरकार उन जरूरतों को पूरा करे, सरकार का कर्तव्य है। और हमारी मोदी सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। जैसे मैंने बताया बार बार कि हम समय के साथ साथ जो भी जरूरत की चीज होगी समाज की, वो चीज समाज में होनी चाहिए। हर सकारात्मक और सार्थक चीज का हम सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां लेवर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि लगभग 50 से अधिक लोग ट्रक में सवार थे। वहीं ट्रक के ओवरलोड होने के चलते अनियंत्रित होकर पलटने की वजह बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। वहीं घटना की पुष्टि करते हुए क्षेत्र अधिकारी नगर संतोष कुमार सिंह ने एक दर्जन से अधिक घायलों की पुष्टि की। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परोख पुल के पास का बताया जा रहा। खबर महाराजगंज से है, जहां पनियारा थाना पर एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक की गई। वहीं बैठक में आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का त्यौहार और हिंदू समाज के लोगों की काव्य यात्रा पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम दिनेश कुमार मिश्र ने कहा कि पुलिस मित्र के रूप में कार्य करती आ रही है और करती रहेगी। आप लोगों के त्यौहारों में कोई बाधा ना आए, इसलिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। खबर बोकारो से है, जहां प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम को लेकर सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं निजाम अख्तर अंसारी ने बताया कि 15 मार्च 2023 को झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम की राज्य और जिला स्तरीय समिति का गठन झारखंड के सभी जिलों में किया गया है, जिसमें गैर सरकारी प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक जिले में 3-3 लोग मनोनीत किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय का शैक्षिक सशक्तिकरण और रोजगारोन्मुख कौशल विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। 15 सूत्री कार्यक्रम की चिंता इसलिए गहराई हुई है कि ये जो प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, और 15 पॉइंट्स प्रोग्राम के तहत भारतवर्ष के अल्पसंख्यकों के समुचित विकास, समग्र विकास से संबंधित योजनाओं को लिया जाना, इसमें प्रावधान किया गया था। बीच में जब हमारा यूपीए 1 और 2 का जो काल आया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, तो इन्होंने यूपीए 2 के काल में प्रधानमंत्री 15 सूत्री नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किया। और अभी जो कमेटी बनी है, चूँकि ये केंद्र सरकार की योजनाएँ इस पर सम्मिलित होती हैं, जो राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसकी राशि जो होती है योजनाओं में जो खर्च होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित की जाती है। तो चूंकि पिछले कई वर्षों से, जब पूर्व में झारखंड में भाजपा की सरकार थी, तो यहाँ की राज्य सरकार ने 15 सूत्री कार्यक्रम की समितियाँ गठित नहीं की थी। इनकी समिति जिला वाइज होती है, हर जिला की कमेटी होती है, जहाँ उपायुक्त अध्यक्ष होते हैं और संबंधित उस जिले के माननीय सांसदगण और माननीय विधायकगण इसके सदस्य होते हैं।
सामाजिक क्षेत्र से तीन तीन प्रतिनिधि इसमें लिए जाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं वर्तमान सरकार और विशेष करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को कि इन्होंने 15 सूत्री कार्यक्रम की कमेटी प्रदेश स्तर पे और झारखंड के सभी जिलों में गठित कर दी है और जिसकी अधिसूचना 15 मार्च 2023 को जारी कर दी गई। अब 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष केंद्र सरकार की तरफ से 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं झारखंड सरकार को, लेकिन चूंकि कमेटियां थी नहीं और जब समिति में जब इसकी बैठक में योजनाओं का प्रस्ताव यहां से पारित करके जिलों से प्रदेश में नहीं जाता था, जिसके कारण वो पैसे आवंटित नहीं हो पा रहे थे। अब हम लोगों ने जब कमेटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो सरकार है झारखंड की, इन्होंने बहुत गंभीरता दिखाते हुए इस समिति को एक पावर दिया है, एक अधिकार दिया है कि आप ज़िले स्तर पे उपायुक्त की अध्यक्षता में मीटिंग करके और ज़िले भर के जो अल्पसंख्यक से संबंधित विकास की योजनाएं हैं, जिसमें विशेष करके शिक्षा की सशक्तिकरण के लिए, विशेष करके छात्रवृत्ति की योजनाएं, विशेष करके रोजगार की योजनाएं, विशेष करके नगर विकास और ग्रामीण विकास की योजनाएं, विशेष करके पेयजल स्वच्छता की योजनाएं, विशेष करके स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, अन्य जितने विभाग हैं सभी विभागों में प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों के समुचित विकास के लिए उस योजनाओं का प्रस्ताव पारित करके प्रदेश कमेटी को प्रेषित करना है, ताकि वो केंद्र सरकार को भेज करके राशि का आवंटित हो और हर जिलों में विकास की योजना को धरातल पर उतारना। इस सभा कक्ष में स्पेशल समृद्ध बोकारो में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी और मिथिलेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में 36 बोकारो विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के साथ 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन चास प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी चास मिथिलेश कुमार चौधरी ने कहा कि सभी मतदाता का आधार लिंक का 100% करना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी के बीएलओ को घर घर सर्वे हेतु प्री प्रिंटेड रजिस्टर और एक स्टिकर आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें हर मतदाता का रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाना है और स्टिकर मतदाता के घर पर चिपकाना है। इस सभा कक्ष में स्पेशल समृद्धि रीजन से संबंधित हमारे जितने भी बीएलओ हैं उनका ग्रुप बना करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस प्रशिक्षण में सभी बीएलओ को सबसे पहले जो भी बीएलओ ऐप आया है उसके बारे में बताया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ साथ जो स्पेशल समृद्धि रीजन जो किए जा रहे हैं इनके बारे में इन लोगों को विस्तृत रूप से बताया जाएगा और इन लोगों को ये भी बताया जाएगा कि इस बार का जो समृद्धि रीजन है वो स्पेशल है, बिकॉज इस समृद्धि रीजन के बाद जो मतदाता सूची तैयार होगा उसी मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो इन लोगों को काफ़ी सावधानीपूर्वक अपने क्षेत्रों में जा करके के सर्वेक्षण का काम करने हैं। इस बार जो प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें सभी बीएलओ को एक प्री प्रिंटेड जो उस बूथ का है उसमें रजिस्टर दिया जाएगा और रजिस्टर में इन लोग बीएलओ उस घर के मालिक से दस्तखत करवाएंगे। साथ साथ हर घरों पर स्टिकर भी साटा जाएगा और यहाँ तक कि सभी बीएलओ उस घर के फैमिली के साथ सेल्फी भी लेंगे और उसको ग्रुप के माध्यम से हम लोग उसको भी अपलोड करेंगे। साथ साथ पिछले बार जो हमारा वोटर टर्नआउट था जहाँ कम हुआ था उसको फोकस करेंगे, हमारा जो ईपी रेशियो है उसको फोकस करेंगे और साथ साथ हमारा जो जेंडर रेशियो है उसको भी फोकस करेंगे और ख़ास करके हमारा जो नए वोटर हैं फ्यूचर वोटर हैं 18 से 19 साल के जो वोटर हैं उन पर विशेष फोकस होगा, क्योंकि 18 से 19 साल के वोटर अधिकांश वोटर जो हमारे वोटर लिस्ट का पार्ट नहीं बन पाए हैं उनको कैसे शामिल किया जाएगा, इसके तहत हम लोग स्वीप कार्यक्रम करेंगे। हमारा जितने भी कॉलेजेस हैं जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे फ्यूचर वोटर मिलेंगे वहाँ पर स्पेशल कैंपेनिंग करेंगे, चुनाव पाठशाला करेंगे और स्वीप कार्यक्रम के तहत हम लोग जगह जगह पर जा करके नुक्कड़ नाटक और जो भी ऐसा संसाधन हो सकता है जिससे हमारा वोटर जो है इलेक्ट्रल लॉ का पार्ट बने। ये बहुत ही बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के पास शनिवार को हुए लाठीचार्ज को लेकर देर रात सिटी थाना और बोकारो सदर अस्पताल में गहमागहमी हो गई। इस दौरान दोनों ओर से सिटी थाने में लिखित शिकायत की गई, जहां मजदूरों की
तरफ से पूर्व मंत्री और इंटक के अध्यक्ष के एन त्रिपाठी ने सीआईएसएफ पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में लिखी शिकायत की। वहीं बोकारो स्टील प्लांट के सीआईएसएफ के द्वारा भी थाने में लिखी शिकायत की बात सामने आई है। हालांकि इस बारे में पुलिस कुछ भी करने से बचती रही और जाँच की बात कर रही है। पूर्व मंत्री ने जहाँ आरोप लगाया है कि बिना मजिस्ट्रेट आदेश के सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज कैसे किया गया, उनके जुरिडिक्शन के बाहर है। वही सीआईएसएफ ने भी लिखित आवेदन थाने में दिया है। ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण घटना है कि वार्ता के लिए आए हैं, मैनेजमेंट को सूचना किया है, तीन दिन से मजदूर बैठे हुए हैं और हमें तो महाप्रबंधक ने बताया कि आरिफ नाम के कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन उसको भेजा कि त्रिपाठी जी आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, उनको ले आओ बात करें, और इसके बाद पुलिस लाठीचार्ज रोक के कर रही है। आश्चर्यजनक है सीआईएसएफ ऐसा क्यों कर रही है। हमें लगता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो एक कह रहे हैं कि भाई आ रहे हैं तो 20 लाठी से स्वागत करो, इसके बाद तब बात करेंगे। ये तो बहुत दुर्भावनापूर्ण बात। लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, कानून पर मुझे भरोसा है। भारत में न्यायपालिका है, भारत में कार्यपालिका है, भारत सरकार है, राज्य सरकार है, सारा सरकारें अपने कार्य करेंगे। I'll make sure the justice will prevail. आपके अंदर वार्ता हुई है? Justice will be done. हाँ? वार्ता हुई है अंदर, क्या हुआ वार्ता? बातचीत चल रही है, अपने चेयरमैन और बड़े पदाधिकारियों से भी वो लोग फोन पर टच में हैं और बातचीत चल रही है, कोई रास्ता निकलेगा। आंदोलन जारी है? अभी आंदोलन जारी है। कई लोग, कितने लोग घायल हैं? अब सब हॉस्पिटलाइज है, मैं जा रहा हूँ वहीं देखने कितनी चोट घायल है। 50 बता रहे हैं 50 लोग घायल है, जा रहा हूँ देखने कि क्या कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, क्या हुआ है, कितनी कितने लोगों के हाथ टूटे हैं, कितने लोगों के पांव टूटे हैं। ये झारखंड के इतिहास में पहली ऐसी घटना है, ये बहुत ही। बाराबंकी में आशा फाउंडेशन और मानवाधिकार जनसेवा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में देवीगंज बाराबंकी के अधापुर, भवनियापुर और सुपा मऊ ग्राम के बच्चों को मैगी, बिस्कुट और टॉफी वितरित किया गया। देवीगंज बाराबंकी क्षेत्र के ग्राम अधापुर की शिव कुमारी, भवनियापुर की सीमा शुक्ला और सुपा मऊ की सुशीला तिवारी द्वारा चिन्हित लगभग 300 से अधिक बच्चों को आशा फाउंडेशन के अध्यक्ष आशा सिंह और मानवाधिकार जनसेवा परिषद के अध्यक्ष रूप कुमार शर्मा के साथ हेमा गुप्ता और रेखा शर्मा ने मैगी, बिस्किट और टॉफी का वितरण किया। इस अवसर पर बच्चों ने गीत और कविताएं सुनाया और नृत्य भी किया, साथ ही उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे।